अपनी बोतल में से इसको क्लीन एंड लीव करवाएंगे। यहाँ से पूरी नजर रखी जाएगी आज। तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। इंजन ऑयल फिल्टर और एक इंजन ऑयल, ये दो चीजें डलवा लिया। बिल बताता हूँ भाई कितना है। Hey, what's up guys, once again welcome back to my YouTube channel. Hope आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। एंड यार उस दिन गए थे तो हमारी बाइक की सर्विस नहीं हुई थी MT15 की, तो आज फिर से हम जा रहे हैं अपनी सर्विस कराने। और डिटेल पता है यार आपको, मतलब एक महीने में सर्विस करानी होती है 500 किलोमीटर, तो अभी 1000 किलोमीटर पे, तो अभी ये 500 चली है। तो लेट्स सी, देखते हैं भैया कितना इसका आज सर्विस का चार्ज आने वाला है। और 500 किलोमीटर पे ज़्यादा चीज़ें करवाने की ज़रूरत है नहीं है। और अभी यार वो जो नई वाली MT15 आई है उसका भी ब्लॉग डालना बाकी है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो आज फिर से तौफिक ने फ़ोन कर दिया था कि भाई आ जाओ यार, सर्विस करा लो पहले इसकी, क्योंकि इसकी जो डेट है वो परसों तक थी, आज दो दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो ये भी देखते हैं कि सर्विस सेंटर वाले करते हैं या नहीं करते, तो फटाफट से निकलते हैं, पास में ही है, ज़्यादा दूर जाना नहीं है। और 3 बज चुके हैं, तो देखते हैं कितनी देर में हो जाएगी, 1.5 घंटे में हो जाएगी ऑलमोस्ट सर्विस। देखते हैं सर्विस का कितना कॉस्ट आने वाला है, तो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। तो ओके, अभी जा रहे हैं सर्विस सेंटर पे। और यार उस दिन की तरह सीन ना हो जाए, कहीं हम पहुँचे और सर्विस सेंटर फिर से क्लोज मिले। भाई साहब इसका क्या कट लगते हैं, देखो यार मज़ा आ जाता है। और आज इसकी मैं भी देखूँगा फर्स्ट सर्विस कितने की होती है। जो मेरी R15 की हुई थी वो 1100-1200 रुपये की हुई थी। मैं कोशिश करूँगा ना कि भाई कुछ चीज़ें जो R15 में फर्स्ट सर्विस पर डलवाई थी वो ना डलवाऊँ इसके अंदर, जैसे कार्बन ऑयल हो गया, एक दो चीज़ और थी जो एक्स्ट्रा चार्जेस में लग जाती हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता वैसे तो, क्योंकि 500 किलोमीटर पे यार इंजन इतना वो नहीं होता कि उसमें इतनी सारी चीज़ें डाली जाएँ। अब जैसे कार्बन ऑयल का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि नई टंकी होती है, क्लीन टंकी होती है, तो उस टाइम कार्बन ऑयल जमना स्टार्ट ही होता है। कार्बन ऑयल अगली सर्विस पर डलवा लेंगे या फिर कभी बीच में भी खुद से डाल सकते हैं। तो कार्बन ऑयल 200-250 रुपये का चार्ज होता है, वो बच जाएगा। ल्यूब एंड क्लीन ये कर देते हैं, चार्ज लगा देते हैं, और जो इस तरह की बोतल होती है वो देते नहीं है, तो हम उस बोतल को बाय करेंगे जाके, फिर अपनी बोतल में से इसको क्लीन एंड लीव करवाएंगे। तो ये भी चीज़ है, तो थोड़े से टेक्निक पता है सर्विस के कैसे करवानी है। एंड आज मौसम कुछ ऐसा ही है, सूरज एकदम ढला ढला सा है, थोड़ा फॉग सा हो रखा है। तो अभी सर्दियाँ एकदम से ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ सिंगल स्वेटर या सिंगल जैकेट की सर्दियाँ रह गई हैं दिल्ली के अंदर। और अभी हम प्लान कर रहे हैं, मैं, मेरा भाई जाने का उत्तराखंड, मतलब सीधा 10 दिन का ट्रिप होने वाला है उत्तराखंड। हम जाएंगे वो भी कैंपिंग टेंट लेके, खुद का, मतलब होम स्टेज वगैरह में कहीं नहीं रुकेंगे, अपने खुद के कैंपिंग टेंट में रुकेंगे, तो अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। अभी प्लानिंग चल रही है उस चीज़ पे, जल्दी ही वहाँ की वीडियो मिलेंगी अगर गए तो, मज़ा आने वाला है। और पहुँच गए हैं भाई सर्विस सेंटर, यहाँ तो शादी हो रही है भाई, बढ़िया खुला हुआ है सर्विस सेंटर, ठीक है, डन है, ओके फाइन। बाइकें लगी हुई हैं, तो सबसे पहले यहाँ जॉब कार्ड बनेगा, फिर देखते हैं। अभी जस्ट इसका जॉब कार्ड बनवा लिया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने सिर्फ दो चीज़ें चेंज करवाई इसमें, एक तो इंजन ऑयल फिल्टर और एक इंजन ऑयल, इन दो के अलावा ल्यूब एंड क्लीन, बस ये 3 चीज़ें हैं जो मैं करवा रहा हूँ। कार्बन क्लीनर नहीं डलवाया है, वो 163 का था, कोई नीड नहीं है, 500 किलोमीटर चली है, तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, वो मना करते हैं। बट मैं थोड़े छोटे छोटे शॉट ले लूँगा जो मैं चेंज कराऊँगा इस वाली बाइक में, तो वो भी दिखाऊंगा और बाद में बताऊंगा इसका कितना बिल बना है। तो अभी मेरे हिसाब से ज़्यादा बिल 1000 रुपये के अंडर हो जाना चाहिए सारी चीज़ों का। तो भाई वो मना कर रहे हैं कि सर्विस के टाइम पे वीडियो नहीं बनानी, बट हम यहाँ से नज़र रखने वाले हैं अपनी बाइक पे, ये रही बाइक, तो यहाँ से नज़र रखेंगे, वैसे पास भी जाएंगे बट यहाँ से नज़र रखते रहेंगे क्या क्या डालने वाले हैं। और टॉफिक यहाँ पे मैच देख रहा है भाई पूरा, ये वेटिंग रूम का फुल फ़ायदा उठा रहा है, यहाँ पे नेटवर्क चला के एकदम मैच वैच लगा के, हेलमेट के सारे लगा के बैठ गए। अभी जाएंगे, अभी सामान लेने गए, जैसे सामान आता है दिखाता हूँ। और ये हमने पहले इसलिए खरीद लिया है क्योंकि अगर हम सर्विस के अंदर ऐड कराते तो 250 ऐड कर देते हैं, जबकि ये 300 की दोनों आ जाती हैं, और 3-4 बारी यूज़ होती हैं और काम चल जाता है, और बाकी सर्विस में ये 250 रुपये ऐड कर देते हैं और बोतल भी नहीं देते हैं, तो इसलिए हमने इसको पहले ही लेके रख लिया है। तो ऑलराइट भाई, बाइक यहाँ पे अभी लग गई है और इसका इंजन ऑयल निकाल दिया है। इसके अंदर जो अब डलने वाला है, एक इंजन ऑयल फिल्टर और एक इंजन ऑयल, ये दो चीज़ें डलवा ली है, बाकी ल्यूब एंड क्लीन मैंने खरीद लिया है खुद से, तो वो यहाँ पे क्लीन कर देंगे इसको, इन्होंने लगा दिया यहाँ पे। अभी सामान आ जाता है, दिखाता हूँ क्या क्या डलने वाला है। ऑयल इसमें डलने वाला है भाई, ठीक है, इसका 550 कोस्ट है, अभी ये डाल दिया, और बाकी इसमें वो डाल दिया अपन ने, इंजन ऑयल फिल्टर डल चुका है।
हो गया है इसकी सर्विस जो होनी थी, मतलब जो इसमें इंजन ऑयल वगैरह चेंज करने थे। अब यहाँ पे आरपीएम सेट हो रहा है इसका, तो सामने लगा दिया चालू करके। अब कुछ देर ये ऑन रहेगी और वहाँ ऑटोमेटिकली जो भी इसके सेंसर्स में या फिर किसी चीज़ में दिक्कत होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी टीवी के अंदर। लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या इसमें दिक्कत आने वाली है। वैसे तो मेरे हिसाब से कुछ होगा नहीं, आरपीएम ही भी दिक्कत होगा, आरपीएम ठीक कर देंगे ये लोग। एंड ये चेक होने के बाद, ये पूरा चेक होने के बाद भाई जाएगी वॉशिंग एरिया के अंदर, वॉशिंग होगी इसकी। और तौफिक ने बिल्कुल भी वॉश नहीं करी है बिल्कुल भी भाई, जब से आई है मेरे को नहीं लगाता ये कपड़ा भी लगाता होगा, पूरे पे धूल धूल जमी रहती है, रिम वगैरह सारी गंदी कर रखी है इसमें। तो यहाँ से ये होने के बाद पहुँच जाएगी वॉशिंग एरिया में और वहीं पे इसका ल्यूब एंड क्लीन होगा। तो ये भी हो गया, वहाँ पे आरपीएम भी सेट कर दिया है। अभी वहाँ पे आरपीएम रेड कलर का आ रहा था, अभी ग्रीन हो गया है, 1300 से 1500 के बीच में होना चाहिए, अब वो इन्होंने सेट कर दिया। यहाँ पे ऑल इंस्ट्रक्शन ग्रीन आ रहा है, अगर वहाँ कुछ भी रेड आता है मतलब कि उस पार्ट के अंदर या फिर उस सेंसर के अंदर प्रॉब्लम है। तो बस आरपीएम की दिक्कत आई थी और कुछ नहीं है। अब यहाँ से जाएगी वॉशिंग एरिया में, फटाफट से वॉश और हो जाए ना, फिर बता देते हैं कितना आ गया इसका, ऊपर देना होगा बिल। और वॉशिंग एरिया भी नंबर है, शायद एक दो गाड़ी के बाद अपना नंबर आने वाला है। बिल रिसीव करने से पहले ना मैं बता देता हूँ इसमें जो मोटा मोटी काम हुआ है। मैं सबसे पहले तो इंजन ऑयल चेंज हुआ है, इंजन फिल्टर चेंज हुआ है, देन उसके बाद चैन को टाइट किया है, आरपीएम सेट किया है और यहाँ पे ग्रीसिंग वगैरह की है, तो थोड़ी सी ग्रीसिंग वगैरह यहाँ पे की है और छोटा मोटा जो भी काम था वो सब किया है जो पहली सर्विस में होता है। तो अभी इसके ल्यूब और क्लीन रह गया है, वो सर्विस मतलब वॉशिंग के टाइम पे करवाएंगे। और भाई इसको देखो कितने चैन से बैठा हुआ है, मतलब कि बाइक इसकी है और सर्विस मैं करवा रहा हूँ। तो एक बार ये दे देते हैं वॉशिंग एरिया में ताकि वो इसको क्लीन और ल्यूब करे, भूले ना। ये लगी है वॉशिंग एरिया के अंदर अपनी बाइक, मतलब मेरी नहीं है, तौफीक की। और वो देखो कितने आराम से वहाँ पे बैठा हुआ है इस रूम में के अंदर, और मेरे को टेंशन दे रखी है इसने। एक बार क्लीन और ये भी मार देना, ठीक है। तो यहाँ पे वॉश करने वाले भाई, भाई पहले से बहुत सही बना दिया है उस वाले से, उससे सही है भाई, ये ले लो। तो भाई ये पहले अभी क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद वॉश करेंगे ना, फिर उसके बाद ल्यूब करेंगे क्लीन। तो पहले क्लीन होगी, फिर उसके बाद वॉश होगी, देन ल्यूब होगी, क्योंकि अगर ल्यूब पहले कर देंगे तो वॉशिंग पूरा धुल जाएगी ना, तो मस्त वाली धो देना है ना। तो भाई लगे पड़े हैं यहाँ पे और उसको देखो, मैं भी वही सोच रहा हूँ वहीं जाके बैठ जाता हूँ या अपने आप कर देंगे। तो मैं भी यहाँ पे वेटिंग रूम में आ गया और बाइक वहाँ पे वॉश हो रही है, लगी है, स्टार्ट हो गई है, तो उन्होंने क्लीन कर दिया चैन, अब वॉश करने में लगे हुए हैं। और ये भाई कभी मैच देख रहा है, कभी रील देख रहा है, पर ये यहाँ से हिल नहीं रहा है। थोड़ी देर के लिए गया था उधर, फिर उसके बाद नहीं गया। और यहाँ पे बोल रहा है कि आप करवा लो जो करवाना है, कर देते हैं वॉश, देखो लगे पड़े वो। तो ऑल राइट भाई, सर्विस हो गई है डन। ये यहाँ पे आ गया हमारे पास बिल, और काफ़ी टाइम लग गया भाई, टाइम हो गया 6:13, मतलब 6:30 बज गए हैं, हम 3:30 बजे आए थे, तो इसलिए लेट हो गए क्योंकि अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ थी, सर्विस में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सर्विस में तो मुश्किल से 1 घंटा ही लगा जो मैंने बोला था, एक्सपेक्ट किया था वही चीज़। और अभी बिल बताता हूँ भाई कितना है, बिल दिखाता हूँ इसका 777 का, सिर्फ मात्र 777 का जो इसकी कॉस्ट आई है, हमने जो चेंज कराया है इसके अंदर, एक तो यहाँ का जो इंजन ऑयल है वो, और यामा का इंजन ऑयल फिल्टर, ये दो चीज़ चेंज कराई है जो कि 530 रुपये और 247-250 रुपये। तो 777 ऐसे करके बिल आया है। और बाकी एक दो चीज़ और थी, जो जैसे कार्बन क्लीनर वो डलवाया नहीं, और 377 का बिल ये, और 300 का हमने ये लिया है, मतलब 777 का बिल ये आया है और कितने का 300 का ये लिया है, 1100 हो गए, मतलब 1077 हो गए हैं जो हमारी सर्विस कॉस्ट आई है। तो ये हमने इसलिए लिया, अभी हमारे आगे काम आएंगे कि हम 3 से 4 बार इसका यूज़ होने वाला है भाई, तो कभी भी आओ तो ये चीज़ छोड़ के मत जाना क्योंकि ये चार्ज पूरा करते हैं और डब्बा देता नहीं है। तो 777 1000 रुपये में पूरी सर्विस हमारी डन हो गई जो पहली सर्विस हुई है, तो ठीक है, अच्छा है वैसे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, तब तक ले बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।